बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिवायतों की लज़्ज़त में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट सोफिया फैसल। कोई भी सेलिब्रेशन है जो वो खाने के बगैर पूरी नहीं होती बल्कि अधूरी रह जाती है। हम कुछ भी प्लान कर रहे हो, कोई शादी प्लान कर रहे हो, कोई इवेंट प्लान हो रहा हो या कोई बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हो, सबसे पहला सवाल ये होता है कि भाई खाने में क्या है, मेन्यू में क्या है। और जाहिर सी बात है, क्यों ना हो ये सवाल, क्योंकि हमारे खाने जो होते हैं वो होते ही इतने मज़े के हैं कि हमारे इन रिवायती खानों के होते हुए हमें किसी और खानों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। भले ही दूसरी चीज़ों में हम किसी ना किसी को कॉपी कर लें, लेकिन खाने के मामले में हमें कॉपी किया जाता है। हमारे खाने इतने मज़े के होते हैं, इतने मशहूर होते हैं कि बाहर मुल्कों में भी इसके चर्चे हैं। जी जनाब, तो रिवायतों की लज़्ज़त एक ऐसा शो है जहां हम आपको सिखाते हैं वो रिवायती रेसिपीज़, वो मज़ेदार और लजीज खाने जो हर जगह मशहूर हैं और किस तरह आसानी से हम उनको घर में बना सकते हैं। और हम अपने शो में कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ नया आपको बताया जाए ताकि आपको वो खाकर एक नई अच्छी रिफ्रेशिंग सी फीलिंग आए। इसके साथ ही हम अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज की हमारी जो गेस्ट है उनको बुलाते हैं। आज हमारे किचन में कुछ स्पेशल बनने वाला है। क्या बनने वाला है वो हमारी शेफ़ हमें मज़ीद बताएंगी। तो बुलाते हैं जी सहर रिज़वी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। सहर, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? हमारे लखनऊ से अम्मी पापा हैं। लखनऊ से? इंडिया से हैं? इंडिया से हैं। ठीक है। तो उन्हीं की ही तकरीबन ज़्यादातर मैं डिशेज बनाती हूँ, क्योंकि मैंने जो सीखा है अपनी अम्मी से सीखा है। ओके, तो आपके घर में ज़्यादातर इंडियन खाना बनता है, पाकिस्तान? हमारे घर में ज़्यादातर इंडियन खाने बनते हैं। इंडियन खाने बनते हैं जी। नाज़रीन तो देख सकते हैं कि आज हमने जिन एक्सपर्ट को बुलाया है उनके घर में इंडियन खाने बहुत मज़े के बनते हैं। और हमारे एशियन खाने जो हो गए, इंडियन खाने, पाकिस्तानी खाने, ये एक दूसरे से जगहों से, एक दूसरे इलाकों से ट्रैवलिंग करके जो हमारे पास आए हैं, तो फिर वो सीक्रेट रेसिपीज़ हम कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक रेसिपी हमें मिल नहीं पाती। तो आज जो हमें रेसिपी मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी जी। आज जो रेसिपी आपको मिलेगी वो कच्ची हल्दी का सालन है। कच्ची हल्दी को तो कोई आजकल पहचानता ही नहीं है। आप बाजार में जाएं, सब यही कहते हैं ये क्या चीज़ है और ये कैसे बनेगी। तो हम इसलिए आज मैं लेकर आई हूँ कच्ची हल्दी का सालन। कच्ची हल्दी का सालन जी, ये होती है बिल्कुल अदरक की तरह हल्दी होती है। काफी लोग कहते हैं कि ये अदरक जो है ये पीली क्यों हो रही है। वो अदरक पीली नहीं हो रही होती, वो होती है हल्दी। वो हल्दी होती है। ओके, इस तरह से ये हल्दी होगी। ठीक है, तो ये क्या आपने हल्दी पाउडर नहीं है ये सब्जी की दुकान पे मिलेगी। ओके। और इसको मैंने हल्दी को लेके इसको अच्छी तरह से छील के सबसे पहले खुश कर लेना है। ओके। धो के इसको खुश कर लेंगे, फिर इसके बाद इसको चॉप काट लेंगे। ठीक है, तो इसको धो के और ड्राई करने का प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है इसको ड्राई होने में? तकरीबन 5 मिनट के लिए आपको तौलिया जो होता है ना उससे खुश कर लेंगे। अच्छा, ओके, ताकि उसका पानी निकल जाए। जी नाज़रीन, तो देख सकते हैं कि रिवायती खानों का यही एक अलग अंदाज है कि वो चीजें जिनको हम भूलते जा रहे हैं। और हमारी आज की जो यंग जनरेशन जिनमें खाना बनाने का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन वो दादी नानी के जमाने के जो खाने होते हैं चूंकि वो हम भूलते चले जाते हैं। और आप अगर शौकीन हैं और अगर आप चाहते हैं कि उसी ज़माने के खानों को बनाया जा सके, तो ठीक है, आज की जो हमारी स्पेशल सी रेसिपी है उसको ज़रूर फॉलो करें। तो ठीक है सर, बताएं सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हमने ली हैं 100 ग्राम मटर। पहले मैं इसके अज्जा बता देती हूँ। ठीक है, 100 ग्राम हमने मटर ली हैं और 100 ग्राम ही हमने हल्दी ली है। ओके, हल्दी और मटर, मटर को इस तरह से हम छील लेंगे। सही है। उसके बाद हमने ली है अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, लेंगे 2 टेबल स्पून। नमक लेंगे हम हसबे जायका। धनिए को हम अच्छी तरह से भून के फिर इस तरह से कूट लेंगे, दरदरा सा ना कूट लेंगे। ठीक है। 1 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून हम लेंगे पिसी मिर्चे, 1/4 टीस्पून लेंगे हम गरम मसाला, गरम मसाला पाउडर है ये, और धनिए को भी हम भून के पीस लेंगे। इस तरह से हम दरदरा सा इसको पीसेंगे। ठीक है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसने, पीसा भी है। और ये जो क्रश किया है ये धनिया है या जीरा? सॉरी, ये सौंफ है। ये सौंफ है। धनिया तो वही ना, जी जी जी, ये धनिया है और ये सौंफ है। सौंफ का भी पाउडर बनाना है, भून के फिर पीसना है। ठीक है, क्योंकि भूनने से ना फिर अलग ही जायका आ जाता है। ठीक, और ज्यादा मजे का हो जाता है। बहुत मजे का, मुझे तो अभी से बहुत मजे का लग रहा है। तो और ये जो हम सालन बनाएंगे ना, ये बनेगा कीमे की तरह। कीमा मटर होता है ना, उस तरह से बनेगा। ओके। एक दफा हमारे घर में मेहमान आए थे, घर में हमारे कुछ भी नहीं था, हल्दी रखी हुई थी, तो हमें समझ में नहीं आया था क्या बनाए।
तो अम्मी ने हमारी हल्दी को छीला, इस तरह से कूटा और अम्मी ने हमारी हल्दी और मटर का सालन बना दिया। लेकिन जब मेहमानों ने खाया वो कह रहे हैं बाजी आपने कीमा मटर तो बड़े मजे का बनाया। जी तो देख सकते हैं वही अम्मियों वाली बात है कि अगर घर में कोई अचानक से आ जाते और कुछ भी मौजूद नहीं है तो फिर कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर जो घर में मौजूद है उससे अच्छा खाना कैसे बनाया जा सकता है, तो आज सहर हमें बताएंगी। चलें सहर स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, घी यूज करेंगे हम इसमें। ओके ये स्टोव ऑन कर दूं मैं आपको? जी ओके ठीक है। तो घी इसमें गरम करेंगे, कितना घी यूज करना है हमने? घी हमें लेना है, घी को हमें ना वो करना है, क्या चाहिए थोड़ा सा गरम करना है, स्पून चाहिए। ये ले लें। ठीक है 2 टेबल स्पून हम ले लेंगे। ओके ये मैंने 2 टेबल स्पून घी डाल दिया। इसको अच्छा हमेशा ना घी में बनाना है, घी से हल्दी की कड़वाहट जो है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा ऑयल में इसको नहीं बनाएंगे, ऑयल में नहीं बनाएंगे इसको, तो हल्दी में जो कड़वाहट होती है वो खत्म हो जाएगी। जी जी तो अब इसमें क्या ऐड करेंगे हम? अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, जरा घी गर्म हो जाए। ये हल्दी की शक्ल आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने इसको वॉश करने के बाद इसके पीसेस कर लिए। तो घी में अब हम हल्दी ऐड कर देंगे। गरम हो चुका है, ठीक है मैं इसमें हल्दी डाल दूंगी। अच्छा हल्दी की क्वांटिटी का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है? हल्दी क्योंकि हल्दी और मटर दोनों एक ही क्वांटिटी में होने चाहिए। अब जैसे मैंने 100 ग्राम मटर लिए तो 100 ग्राम हल्दी लेंगे। अच्छा हल्दी में हम हल्दी लेंगे उतना ही मटर हमने लेना है। अब जैसे हम हल्दी में मटर हमारे कुछ लोगों को नहीं पसंद तो उसमें ये गोभी भी डाल सकते हैं, फूल गोभी की कटिंग करके जिस तरह से मैं मटर डालूंगी उसी तरह से आप गोभी भी डाल सकते हैं। अच्छा तो अगर हमारे पास मटर नहीं है तो हम गोभी भी यूज कर सकते हैं, और अगर दोनों हैं तो दोनों भी यूज कर सकते हैं। घर में जो अवेलेबल है उसमें आसानी से हम अच्छा खाना कैसे बना सकते हैं वो सहर हमें बताएंगी। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन तो ब्रेक से वापस आ गए हैं। रिवायतों की लज़्ज़त के किचन में आज बन रहा है कच्ची हल्दी का सालन और सहर हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक में जाने से पहले सहर हमने क्या किया था? हमने हल्दी डाली थी इसको ब्राउन करने के लिए, तकरीबन 5 से 3 मिनट में ही ब्राउन हो चुकी है। देखिए इस तरह से ब्राउन हो गई है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। ठीक है ये देखिए इस तरह से ब्राउन हो चुकी है। नाज़रीन को मैं बताती चलूँ कि इसको 5 से 6 मिनट लगते हैं ब्राउन होने में, तो इसको थोड़ा सा टाइम देना है ताकि अच्छे से जब ब्राउन हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं इसकी फाइनल शक्ल, अगर मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरह ये ब्राउन हुई हुई है तो ये कलर इसका आना चाहिए, क्रिस्पी सी होनी चाहिए ये। ठीक है अब हम क्या करने वाले हैं इसमें? अब हम इसमें मटर डालेंगे। ओके मटर डालेंगे। अब्बू को आपके हाथ का खाना अच्छा लगता है या अम्मी के हाथ का? दोनों के हाथ का। वैसे कभी कभी वो कहते हैं आप जैसे खाना बनाती हैं, अम्मी तो वैसे नहीं बनाती नॉर्मली, तो कभी कभी वो कहते हैं अम्मी के हाथ का ज्यादा पसंद है। अच्छा तो कभी उनकी फरमाइश आती है कि भाई बहुत हो गया तुम्हारे हाथ का खाना, अब अम्मी के हाथ का खाना, तो उनको कुछ कहते हैं आज ये बना दो। पापा अम्मी से फरमाइश करते हैं कि अब मुझे ये खाना है, जैसे हैं गिलावट के कबाब, अम्मी पापा के लखनऊ के बहुत मशहूर कबाब हैं गिलावट के कबाब, उसमें 48 मसाले जाते हैं। अच्छा जी वो मैंने बनाए थे अभी 22 को बनाए थे तो बहुत मज़े के बने थे, अल्लाह का शुक्र है जितने मेहमान आए सब ने तारीफ़ करी, क्योंकि उसमें मसाले जाते हैं ना, उसमें रोज़ वाटर जाता है, गुलाब की पत्तियां जाती हैं और धनिया जीरा, तो इसमें तो बहुत मेहनत। अब मैं इसमें मटर डाल रही हूँ। जी इसमें मेहनत भी होती है, देखें जितनी मेहनत होती है ना उतना ज़ायक़ा आता है, क्योंकि अब जो है ज़्यादातर लोग जो है मसाले पैकेट के मसाले यूज़ कर रहे हैं, मैं मसाले भी अपने घर में बनाती हूँ, जैसे चपली कबाब मसाला मैं ख़ुद बनाती हूँ, कौरमा मसाला मैं ख़ुद, और अल्लाह का शुक्र है दुकानों पे मैं सेल भी कर रही हूँ। ज़बरदस्त ये देखें ना ये होती है बात, वरना हम लोग तो आजकल इतने कामचोर हो गए ना कि बस जो चीज़ तैयार मिले उसको उठाते ले आते हैं, बस आसानी चाहिए हमें। लेकिन यही तो चीज़ें हैं रिवायती चीज़ें, रिवायती खाने इसीलिए तो इतने लजीज होते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, ख़ुद से बनाई जाती हैं चीज़ें, चूँकि टाइम नहीं होता। लेकिन यही है कि ये सब चीज़ें हम बना के जब हमें टाइम मिले तो हम इसको रख सकते हैं। तो ऑयल के अंदर हम से हमने हल्दी निकाल ली और मटर, हमने मटर डाल दिए हैं, मटर को भी अच्छी तरह से
भून लेंगे थोड़ा सा और भून के निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। ठीक है, तो घी में से हमने हल्दी निकाल ली है आप देख सकते हैं, और इसमें हमने मटर शामिल कर लिया है। मटर को कितनी देर के लिए छोड़ेंगे? मटर को भी 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं। इसको अच्छे से पकाना है या सिर्फ इसका कच्चापन निकल जाए? बस कच्चापन निकल जाए। ठीक है, इसका सिर्फ कच्चापन निकल जाए। वैसे ये जितनी क्रिस्पी हो गई ना हल्दी, तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि कीमे सा टेक्सचर है इसका, इसलिए हमने इसको क्रिस्पी भी कर लिया है। जी। तो सहर मुझे ये बताएं कि अब मटर को कितनी देर है? बस मटर को 2 मिनट हैं। 2 मिनट और हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? निकालूंगी, फिर उसके बाद मसाले डाल के इसको इसकी भुनाई करेंगे। फिर हम जब तक के ये भुनेगा तो फिर हम पराठे बना रहेंगे, लच्छे वाले पराठे हम बना लेंगे। ओके। पराठे बनाने के लिए मैंने लिया है मैदा, 1 कप मैदा लेंगे, 1/2 कप सूजी, 1 टेबल स्पून मैंने लूंगी इसमें शुगर, ओके, और नमक लेंगे हम हसबे जायका। ठीक है, मैदा, सूजी, शुगर और नमक ऐड करके इसका आपने आटा बना के रख लिया? बना के लाई हूँ क्योंकि टाइम कम होता है, तो इसलिए मैंने पहले से बना लिया। तो आपने क्या इसका आटा बना के रखा है या पराठे ही बना लिए? जी मैंने पराठे बना लिए हैं, लेकिन मैं इसको आपको तरीका बता देती हूँ। इसके पेड़ा बना के जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उस तरह से बेल लेंगे। फिर उसके ऊपर हम थोड़ी सी घी लगाएंगे, घी लगा के हम उसके ऊपर थोड़ी सी खुश्की इस तरह से डालेंगे। ठीक, फिर उसको नाइफ से ना ऐसे ऐसे कटिंग कर लेंगे, पराठे की कटिंग करेंगे, पराठे की कटिंग कर लेंगे, कट्स लगाएंगे, पूरी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, ऐसे ऐसे कट्स मार के फिर उसको पेड़े ऐसे करके हम पूरा बेल लपेट लेंगे और फिर से पेड़ा बना लेंगे। ओके, तो वो जो लच्छे लच्छे निकलते हैं पराठे में से, वो ये है इसकी टिप। तो सहर हम यहाँ ब्रेक ले सकते हैं? नहीं, बस हमारे ये हो गए, बस मैं निकाल लेती हूँ इसको। ठीक है, तो आप इसको निकाल लें, तो फिर जब तक हम ब्रेक लेते हैं, अब तो एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। बहुत ही मज़े का हल्दी का, कच्ची हल्दी का सालन बन रहा है हमारे आज रिवायतों की लज्जत के किचन में। तो यहाँ अब तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्दी से जाएँ और जल्दी से वापस आएँ रिवायतों की लज्जत में। एक छोटा सा ब्रेक। जी जनाब, तो ब्रेक से वापस आ गए हैं और रेसिपी को फिर से वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने उसको छोड़ा था। ब्रेक पे जाने से पहले हमने मटर को घी में डाल दिया था, घी में डाल के भून रहे थे। ठीक है, अब हमने निकाल लिए, हमने निकाल लिए मटर, अब हम हो गए, मसाले डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे धनिया, इसी घी में हम डाल रहे हैं। ठीक है, घी को हम कम कर लेंगे, घी को थोड़ा सा कम कर लिया आपने। जी, ठीक है, घी बहुत ज्यादा हो रहा था तो हमने थोड़ा सा उसको निकाल लिया है। हम किसी और चीज में यूज करेंगे, पराठे बनाएंगे उसमें भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून। ठीक है, धनिया पाउडर जो हमने क्रश करके रखा था। ओके, अब क्या ऐड करेंगे? धनिया के बाद हम इसमें डालेंगे सौंफ। सौंफ पहले इसको थोड़ा सा चला लें। ठीक है, धनिया को थोड़ा सा चलाएंगे, फिर उसमें हम सौंफ डालेंगे थोड़ा सा इसको। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि घी बहुत ठंडा हो गया था ना। ठीक है, तो अब इसमें सौंफ ऐड करेंगे, मसाले सारे ऐड करेंगे। सौंफ भी हम 2 टेबल स्पून डालेंगे। ओके, सौंफ ऐड करेंगे और इसके बाद क्या जाएगा इसमें? इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये नमक। नमक डालेंगे, नमक को तो नमक आप हसबे जायका जितना आपको पसंद है आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ लोग ज्यादा खाते हैं। भून लेंगे अच्छे से। ठीक है, अब इसको भूनेंगे थोड़ी देर तक। ठीक है, और मसाले इसमें ऐड करने हैं? जी, अभी डालेंगे। डालेंगे पहले इन चीज़ों को भून लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद फिर कुछ और ऐड करेंगे हम इसमें। अब इसमें हम डालेंगे, ये मैंने लिया था 1 टमाटर, 2-3 हरी मिर्चें और 1 अदरक का टुकड़ा, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको मैंने पीस लिया था इस तरह से। अब हमें इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं आपने, और सॉरी 1 टमाटर लिया है, 2 मिर्ची, 2 हरी मिर्ची, 2 हरी मिर्ची छोटी। ओके, और अदरक, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसमें डाल के और इसको भून लेंगे। ब्लेंड कर लिया, पानी डाल के इसको ब्लेंड किया? जी, पानी डाल के। ओके, पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लिया है और अब हम इसको भून लेंगे, भून रहे हैं, पकने के लिए छोड़ देंगे। और खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, जो खाने में सबसे ज्यादा सबसे पहले जरूरी होती है उसकी खुशबू। खुशबू आएगी तो ही हमें पता चलेगा कि खाना कितना मज़े का है और घर में कुछ बन रहा है। वैसे पहले ज़माने के जो खाने हुआ करते थे ना,
उनमें खुशबू इतनी मजे की आया करती थी कि जब एक घर में कुछ बन रहा होता था ना तो अगले घर में भी पता चलता था कि भाई इस घर में कुछ बन रहा है। तो मसाला हो गया जी, अब हम इसमें डालेंगे पिसी मिर्चें। ठीक है, ये पाउडर है मिर्चों का? ओके, ये हमने कितनी ऐड की है? हाफ टीस्पून, हाफ टेबल स्पून। ओके, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर इसमें ऐड कर दिया हमने। अब हम इसमें डालेंगे मटर और हल्दी। अच्छा, मटर और हल्दी, इसको कितनी देर पकाना है? थोड़ी देर के बस घी ऊपर आ जाए, इन मसालों को पकाएंगे। उबाल आ गया जी, जब उबाल आ जाएगा ना हल्का सा, ठीक है, तो इसमें हल्दी हम और मटर दोनों डाल, हल्दी और मटर जो हमने ब्राउन करके निकाले थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये मटर भी जी, मटर भी, ठीक है। अब इसमें कुछ और ऐड करना है? नहीं, अभी नहीं ऐड करना। अब हम इसको ढक देंगे ताकि थोड़े से पक जाए। ठीक है, इसको ढक देंगे, तेल छोड़ने लगेगा ना, फिर हम इसमें और ये दही वगैरह डाल देंगे, दही गरम मसाला। दही और गरम मसाला बाद में ऐड करना है, अभी इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देना है। जी नाज़रीन, तो सहर यहाँ पर जब तक ये मसाला भून रही हैं हम इसको कवर कर देंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। आप जब तक रेसिपी काट कर रिव्यू करके जल्दी से वापस आ जाएं। कच्ची हल्दी का सालन अज्जा। कच्ची हल्दी 100 ग्राम, दही 1 कप, मटर 100 ग्राम, हरा धनिया 2 से 3 खाने के चम्मच, घी 1/3 कप, नमक हसबे ज़रूरत, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, सौंफ पाउडर 2 खाने के चम्मच, धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, बड़ी इलायची 1 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, लौंग 3 से 4 अदद, काली मिर्च 6 से 7 अदद, टमाटर 1 कटा हुआ, टमाटर 1 साबुत, हरी मिर्च 2 अदद, अदरक 1/2 इंच का टुकड़ा। तरकीब, हल्दी को छीलकर पानी में भिगोकर धो लें और कपड़े से साफ कर लें। इस हल्दी को चॉप कर लें, टमाटर को बड़े टुकड़ों में काट लें, हरी मिर्च अदरक को छीलकर बड़े टुकड़ों में काट लें, तमाम अज्जा को मिक्सचर में बारीक पीस लें, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और इलायची पीस लें। पैन को गर्म करें और इसमें घी डालकर, घी घुलने के बाद इसमें हल्दी डालें और चम्मच से मुसलसल हिलाते हुए हल्का ब्राउन होने तक भूनें। भुनी हुई हल्दी को प्लेट में निकाल लें, बाकी घी में मटर भूनकर निकाल लें और प्लेट में रख दें। पैन में थोड़ा घी लें, इसमें धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर और नमक डालकर 1 से 2 मिनट तक भूनें। इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे और इस वक्त तक भूनेंगे जब तक के मसाले पर घी ना आ जाए। भुने हुए मसाले में पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी, मटर शामिल कर भूनें। अब दही शामिल करेंगे और दही को उबाल आने तक पकाएंगे। उबलते हुए दही में कटे हुए टमाटर डालकर पकाएं, 2 से 3 मिनट तक पकने दें और हरा धनिया शामिल करके उसको गार्निश कर लें। लच्छेदार पराठे अज्जा। मैदा 1 कप, सूजी 1/2 कप, चीनी 1 टेबलस्पून, नमक हसबे ज़रूरत। तरकीब, मैदा और सूजी को मिक्स करके इसमें नमक, चीनी और घी डालकर आटा गूंद लें और 1/2 घंटे के लिए रख दें। अब रोटी की तरह बेल लें और इस पर घी लगने के बाद इस पर थोड़ी सी खुश्की डाल लें। अब इसमें सीधे कट लगाएं। अब इसका पेड़ा बनाकर पराठे बेलें। अब तवे पर डालकर पराठा पकाएं। मज़ेदार कच्ची हल्दी का सालन और लच्छेदार पराठे तैयार हैं। जी जनाब, तो रेसिपी कार्ड से वापस आ गए हैं। ये रेसिपी कार्ड का रिव्यू हम इसलिए देते हैं क्योंकि अगर आपसे कुछ मिस हो गया है तो आप जल्दी जल्दी से उसको नोट डाउन कर लें। सहर, मुझे बताएं कि क्या मैं इसको देख लूं? जी, कि जल तो नहीं रहा ये? अब हम इसमें डालेंगे दही। ठीक है, तो ये आप इसकी शक्ल देख सकते हैं नाज़रीन, इतनी मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है। और आप लोग जब रेसिपी कार्ड की तरफ गए थे तो हमने एक तरफ पराठे, जिसकी रेसिपी सहर ने आपको बता दी थी, वो भी बनाने के लिए रख दिए हमने। और यहाँ पे हम क्या ऐड करने वाले हैं? अब हम इसमें दही और टमाटर। तो मैं जब तक उसको देख लेती हूँ, मैंने सोचा कि आज मैं भी थोड़ी सी हेल्प कर लूँ, थोड़ा सा काम कर लेना चाहिए। मम्मी कहती है कि काम करते रहना चाहिए, किचन में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। क्या डाला है हमने इसमें? दही डाल दिया है। दही कितना यूज़ किया है? 1 कप। 1 कप दही यूज़ किया है। ये देखिए, वाव, जबरदस्त कलर भी कितना अच्छा। ये हल्दी जो है मुझे तो देखने से ही लग रहा है कि ये बीफ का कीमा है। हल्दी और ये टमाटर इसमें हम ऐड कर देंगे। टमाटर हमने ऐड करने, टमाटर कितने लिए? 1 टमाटर लिया है मैंने। 1 टमाटर काट लिया, मीडियम साइज का टमाटर। ठीक है, सफाई भी जरूरी है, इसको मैं वहाँ रख देती हूँ ताकि यहाँ से थोड़ी सी क्लीनिंग हो जाए। ठीक है,
अच्छा सहर मुझे ये बताएं जी कि इसको क्या पराठे के साथ ही खा सकते हैं? इसको पराठे के साथ, चपाती रोटी के साथ खा सकते हैं। और अगर चावलों के शौकीन लोग होंगे तो वो क्या करेंगे? हमारे सादे चावल उबाल लीजिए आप, चावलों के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। सर्व कर सकते हैं चावलों के साथ ही, ठीक है जबरदस्त। थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी पानी दे दूं मैं आपको? जी ये ले लें। ओके, ये चीजें जो है ना किचन में बहुत अच्छे से रखनी चाहिए, नहीं तो फिर आगे पीछे से ऐसे ही गिरती रहती हैं। गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला कितना ऐड करना है? 1/4 teaspoon। ठीक है, तो हमने जब इसका मसाला भून लिया था तो उसमें हमने हल्दी और मटर जो हमने ब्राउन करके रखे थे वो ऐड किए थे। जब वो उनको बनाने के लिए रखा था, उनका कच्चापन दूर हो गया, तो उसके बाद हमने इसके अंदर टमाटर और दही और गरम मसाला। अब इसको डिश आउट कर लें जी, मैं बातों में लग जाऊंगी और ये पराठा जो है ये जल ना जाए। आप बोलेंगे एक पराठा बनाया है मैंने, आपकी थोड़ी सी हेल्प की है आज वैसे जी आपने, और वो भी जला दिया, ये ना बोले ना। टमाटर को इस तरह से कोट लेंगे ना, ठीक है, पता नहीं चला। और टमाटर जो नजर आ रहे हैं उनको अच्छे तरह, इसमें और घी ऐड करने की जरूरत नहीं है? नहीं, बस काफी है, ठीक है। तो टमाटर थोड़े से जो नजर आ रहे हैं उनको थोड़ा सा हम भून लेंगे ताकि नजर ना आए। पराठे भी रेडी हैं, इसको मैं निकाल लेती हूँ जी। तो ये पराठे रेडी हो गए हैं, इसको मैं वहाँ पे रख देती हूँ और आपको मैं दे दूँ डिश जी, इसमें हम निकालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देती हूँ। ओके, अच्छा धनिया इसमें आपने इसी में डाल दिया? इसी है, इसी में डाल दिया है मैंने। ठीक है, गार्निश करने के लिए वो नहीं भी डालूंगी। ठीक है, चलिए ये तैयार हो गया है तो हम इसको डिश आउट करते हैं। आ जाए आप यहाँ, आ जाए, चलें बंद कर दें इसको जी। ठीक है, चलें जल्दी से निकाल लें ताकि हम बता सकें कि इसकी फाइनल शक्ल क्या है। बहुत ही मज़े की, बहुत ही खूबसूरत सी रेसिपी है और बच्चों को धोखा देना है और जो लोग सब्ज़ी नहीं खाते हैं और मीट के शौकीन हैं तो उनको आप झूठ बोल के ये आराम से खिला सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। और पता चलता है या नहीं चलता ये तो आप ट्राई करेंगे और हमें बताएंगे तभी हम बता सकते हैं ना, आप हमें बल्कि बताइएगा। तो ये तैयार है जी, इसको धनिया के साथ हमने गार्निश किया। ये फाइनल लुक है इसकी, आप देख सकते हैं, देखने से पता चल रहा है और मुझे भी पता चल रहा है। और इसको मैं ट्राई करके भी देखूंगी, ट्राई करके बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही अट्रैक्टिव भी है, खुशबू भी अच्छी है, तो इसका मतलब खाना अच्छा बना है। खाने में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि इसकी खुशबू अच्छी होनी चाहिए और देखने में बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो ये इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन हमने कर दी है नाज़रीन, यहाँ वक्त होता है ख़त्म हमारे इस प्रोग्राम का, लेकिन हम फिर से इसी वादे के साथ यहाँ से जाते हैं कि फिर से आपसे मुलाकात करेंगे एक नए प्रोग्राम में, नए मेहमान के साथ और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।